पंडित जी, क्या मस्जिदों से ऐलान हुआ था या नहीं हुआ था? इफ्तिखार मिसगर साहब बोल रहे हैं ये तो आतंकवाद का शिकार हुए हैं। क्या एक प्री प्लान ढंग से कश्मीरी पंडितों का नरसंहार करके, उनको बलात्कार करके, मस्जिदों से अनाउंसमेंट कर करके उनको निकाला नहीं गया? अंबर जैदी बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। मस्जिदों के लाउडस्पीकर से ऐलान हुए थे, मस्जिदों से ही हिट लिस्ट जारी की जाती थी, मस्जिदों में बैठ के तय किया जाता था कि जलूस कहां से निकलेंगे, जलसे कब होंगे, मस्जिदों से ही खुतबे कर करके दिमागों में जहर भरा गया। ये मस्जिदों और मदारिसों की पैदावार है जो आज आपके पास कलाश्निकोव और ग्रेनेड लेकर के लोग घूम रहे हैं। ये जो दिमागों में जहर भरने का तरीका है, ये इन्हीं खुतबों और इन्हीं मदारिसों से निकल करके जो खरपतवार निकली है, ये उसका नतीजा है। और अंबर जैदी ने बिल्कुल ठीक कहा, उसने तारीख का एक एक गोशा गोशा निकाल करके आपके सामने रख दिया। मैं आपके पास कुछ चीजें रखता हूं। हमारा आईन 1988 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक एक्ट लाया गया, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एक्ट ब्रैकेट में था, प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज। ये कश्मीर पर लागू नहीं होने दिया गया जब तक 370 अनुच्छेद था, यह कानून कश्मीर पर लागू नहीं होता था। और इसी कारण उन मस्जिदों में से फहराए जाते थे आईएसआईएस के झंडे। आप कैसे भूल सकते हैं कि एक मस्जिद के प्रीसिंक्ट में डीएसवाईपी अयूब पंडित का कत्ल हुआ, भीड़ ने उसको वहीं अपने नंगे हाथों से मार मार कर पीट पीट कर खत्म कर दिया। तो मस्जिदों का एहतराम इन जिहादियों के दिमाग में नहीं है। हम लोग तो माहे रमजान का एहतराम करते हैं और सीज फायर कर दिया था एक तरफा, लेकिन यह तो माहे रमजान में इनको शौक शहादत चल रहा है, ये उसी महीने में जाकर के सबसे ज्यादा कत्लोगारत करते हैं।